ये हिंदुस्तान की बेटी का वो जज्बा है जिसे अब मिलिट्री बैंड की धुन सलाम कर रही है। ये हिंदुस्तान की बेटी का वो हौसला है जिसके आगे गमों का पहाड़ में सिर झुकाए खड़ा है। ये निखिता कौल है, पुलवामा शहीद मेजर विभूति शंकर ढौंडियाल की पत्नी, जिनका नाम अब लेफ्टिनेंट निखिता कौल ढौंडियाल हो गया है। निखिता के कंधे पर जब लेफ्टिनेंट जनरल वाई के जोशी ने दो सितारे लगाए तो वो वादा पूरा हो गया जो निखिता ने अपने पति को आखिरी विदाई देते वक्त किया था। याद कीजिए, साल 2019 जब पुलवामा में आतंकियों से लड़ते हुए मेजर विभूति शंकर ढौंडियाल शहीद हो गए थे, उस वक्त निखिता की शादी हुए सिर्फ 9 महीने हुई थी। शहीद विभूति शंकर का तिरंगे में लिपटा शव जब उनके घर देहरादून आया था, तब निखिता ने सैल्यूट कर उन्हें आखिरी विदाई दी थी। निखिता ने उसी वक्त कह दिया था कि वो अपनी पति के अधूरे काम को पूरा करना चाहती है, यही उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि होगी। निखिता वादा करके रुकी नहीं, पति के शहादत के सिर्फ 6 महीने बाद शॉर्ट सर्विस कमीशन का फॉर्म भरा और हर इम्तिहान से गुजरते हुए ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई में ट्रेनिंग पूरी की। पति ने देश के लिए बलिदान देकर वीरता की जो लकीर खींची, निखिता ने आज उसी रास्ते पर कदम बढ़ा दिए हैं। उनके पति मेजर विभूति शंकर ढौंडियाल वर्ष 2019 में पुलवामा हमले की साजिश रचने वाले आतंकियों से लड़ते हुए एक एनकाउंटर में शहीद हो गए थे। शनिवार को सेना की चेन्नई स्थित ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी यानी ओटीए में शॉर्ट सर्विस कमीशन अधिकारियों की पासिंग आउट परेड हुई। इस परेड में सबकी निगाहें लगी थी लेफ्टिनेंट निखिता कौल की तरफ। निखिता ने ट्रेनिंग पूरी की और क्या कहा वो भी सुन लीजिए। The day I step in, I imagine that and I felt that the same journey that he has traveled through and I'm traveling through the same journey. So I believe he's always and always going to be part of my life and even today he's somewhere around. जम्मू कश्मीर के उद्धमपुर स्थित सेना की उत्तरी कमान ने इस निखिता कौल की पेपिंग सेरेमनी की वीडियो जारी की। देखते ही देखते निखिता कौल का ये वीडियो सोशल मीडिया पर छा गया। पिछले 2 साल में 2 बार ऐसा हुआ जब निखिता कौल की तस्वीर और वीडियो सोशल मीडिया पर छाई है। इससे पहले उनकी तस्वीर फरवरी 2019 में उस वक्त सामने आई थी जब उनके पति मेजर विभूति शंकर ढौंडियाल का पार्थिव शरीर उनके पैतृक घर उत्तराखंड के देहरादून पहुंचा था। अपने पति के पार्थिव शरीर के पास काफी देर बैठकर निखिता कौल उन्हें निहारती रही, प्यार करती रही और धीरे से कुछ बोलते हुए भी सुनी गई थी। उस वक्त निखिता गुरुग्राम की एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती थी, लेकिन पति के मौत के बाद उन्होंने खुद सेना में शामिल होने की ठानी और SSC की परीक्षा पास कर OTA चेन्नई में दाखिल लिया। 9 महीने की कड़ी मेहनत के बाद वे सेना के ऑर्डिनेंस कोर का हिस्सा बन गई है। आपको बता दें कि 14 फरवरी 2019 को पुलवामा हमले के दौरान निखिता कौल के पति मेजर विभूति ढौंडियाल सेना के राष्ट्रीय राइफल में तैनात थे। पुलवामा हमले के कुछ दिन बाद ही उनकी यूनिट ने हमले को अंजाम देने वाले आतंकियों को पुलवामा के एक गांव में घेर लिया था। उसी दौरान एनकाउंटर में मेजर विभूति शहीद हो गए थे। लंबी चली मुठभेड़ के बाद सेना CRPF और जम्मू कश्मीर पुलिस ने सभी आतंकियों को मार गिराया था। हिंदुस्तान की इस बेटी पर पूरे देश को नाज है, भारतीय सेना और भारतीय महिला के शौर्य, गौरव और जज्बे को नमन। न्यूज़ तक ब्यूरो।